हमारे चैनल नीरज फिल्म स्टूडियो को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब हमारे फेसबुक पेज नीरज फिल्म स्टूडियो को भी लाइक करें। हाँ जी सर, आपका नाम? बेला जांगिड। कहाँ से हो सर आप? है? कहाँ से हो? बदाल। और आज कहाँ जा रहे हो आप? आज मोदी जी के पास जा रहे हैं। तो आपके दिल में कुछ मोदी जी के लिए कुछ विचार है? मोदी जी के लिए बहुत विचार है। मोदी जीतेगा, मोदी को लड़ना कोई भी नहीं है। मोदी देश का विकास कर सकता है और कोई नेता नहीं कर सकता है। कितनी करते हैं, ये क्या कहते हैं, वो करते हो, कुछ भी नहीं करते हैं। अरे हमारा मोदी है ना, जो कहता करके दिखाता है। मोदी ने क्या कहा था? हमारे 40 आदमी सैनिक मर गए, 400 मोदी मोदी ने मार दिए। पप्पू वही बात भी बताओ। और पप्पू क्या है? पप्पू एक मुसलमान की औलाद है।
कितने सीटों से जीतेंगे? 400 प्लस। मोदी जी कितने सीटों से जीतेंगे? 400 प्लस। और 400 प्लस। और 23 तारीख देखेंगे, और 23 तारीख को आएंगे फिर भी देखेंगे। और हमारे राज्यवर्धन है भी जीत गएगा 100 लाख वोटों से। जयपुर के लाडले भाई रामचरण जी बोरा से अनुरोध करूंगा कि आए और हमें संबोधित करें, और आप सब लोग जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें, भाई रामचरण जी बोरा। एक गंदा नाला, बीमारू नाला, स्वास्थ्य खराब करने वाला नाला था, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से योजना बनाकर और एक द्रव्य नदी रूप दिया, और आज पर्यटन की दृष्टि से भी उसको बढ़ावा मिला है। सवेरे सवेरे लोग घूमने जाते हैं, व्यायाम करने जाते हैं, उनको भी लाभ मिला है। और आज 17 किलोमीटर का हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया है। बंधुओं, ऐसे ही रिंग रोड जो 2007 में उसका प्रारंभ किया, झोटवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मोदी सरकार में मंत्री हमारे लोग, हिंदुस्तान की आजादी के बाद शायद ये पहला लोकसभा का चुनाव है जिसमें चुनाव का परिणाम चुनाव से पहले आ गया है। बात है और घोटालेबाजों के सरपरस्त जमानत पे घूम रहे हैं, ऐसी स्थिति है। आज हिंदुस्तान दुनिया के सबसे मजबूत देशों में शुमार है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जा रही है। ये कहावत केवल इसलिए संभव हुआ कि आज के 5 साल पहले हिंदुस्तान की जनता ने जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, इलाके के आधार पर नहीं, इस देश के भविष्य के आधार पर वोट दिया, और उसका परिणाम रहा एक चाय वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया। दोस्तों, आज का चुनाव में आज का चुनाव पूरे देश के आशा और आकांक्षाओं का चुनाव है। ये देश को बहुमूल्य के शिखर पर ले जाने वाला, इस हिंदुस्तान को दुनिया के सामने मजबूत हिंदुस्तान के रूप में रखने वाला, इस देश के रूप में कोई ले जा सकता है तो हिंदुस्तान की जनता ने चुनाव से पहले तय कर लिया है कि हिंदुस्तान को बहुमूल्य के रास्ते पर ले जाने वाले शख्स का केवल एक नाम है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज तक के अखबारों में हिंदुस्तान हमारे देश के सैनिकों के सरकार के पाकिस्तान के लोग ले गए और सरकार मौन। आपको बताया अभी अभी दुनिया में हमारे बीच में हमारे राजस्थान के 6 चुनाव प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु जी त्रिवेदी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमें संबोधित करें, और जरा जोरदार चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचानक हो। इसलिए आज राजस्थान की जनता पूरी तरीके से सजग है। पिछले चुनाव में केवल 1,41,000 वोट हमें कांग्रेस से कम मिले थे, और राजस्थान में कुल बूथ है 50,000, यानी एक बूथ पर औसतन 3 वोट कम मिले, और इतना बड़ा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि 29 अप्रैल के तो चुनावों में आपने अपना निर्णायक जनादेश दिया ही है, चौथे चरण का चुनाव समाप्त होते होते चौका मारा जा चुका है, और 6 मई को छक्का मारने के लिए आप लोग तैयार हैं। अब मैं ये है जिसे मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, अरे कहने को तो राणा के हैं वंशज कहते हम, राणा साहेब वंश अब क्यों नहीं विचारिए, जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा, प्यारे कायरता का खोल तन मन से उतारिए, और आतंक जो मिटाना चाहते हो तो लोग गांठ बांध, कोई एक मारे आप 10-20 मारिए। और आपने देखा वो करके भी दिखाया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं एक नया भारत आकार ले रहा है, जिसकी एक नई सोच है, जिसमें एक नई संभावनाएं हैं,
नया स्वाभिमान है, नया गौरव है और जीवन की तरफ आगे बढ़ने की नई नई राहें दिखाई पड़ रही है। अरे भैया, आपके बाप दादे जो नहीं कर पाए वो आप करने की बात कर रहे हैं। वो आपने हिंदी कहावत सुनी ना, बाप न मारी मेड की और बिटवा तीरंदाज, वो आज बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, और आप देखिए, आज ही प्रियंका जी बोल गई है उत्तर प्रदेश में कि हमने तो चुन चुन कर वो कैंडिडेट खड़े किए, जहां हम जीत नहीं सकते तो बीजेपी का वोट काटे। यानी बताइए, भारत की मंच पे विराजमान हमारे केंद्र के मंत्री जावड़ेकर जी, मदनलाल सैनी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ पे राजस्थान के हमारे भाजपा सरकार के मंत्रीगण, हमारे सीनियर विधायकगण, यहाँ पे मेरे सामने बैठे भारी मात्रा में आए पूरे जयपुर जिले से मेरे भाइयों और बहनों, खासतौर से मेरे जयपुर ग्रामीण के यहाँ पर आए हुए परिवार सदस्य। सुबह से मैं अलग अलग पंचायतों में जाकर आ रहा हूँ, थोड़ी सी थकान है, एक बार जरा ऊर्जा भरने की जरूरत है। बोलिए भारत माता की, थोड़ी और ऊर्जा की जरूरत है। बोलिए भारत माता की, थोड़ी और हो सकती है क्या? थोड़ी और हो सकती है उस तरफ? बोलिए भारत माता की, ये बात हुई ना। आपने 2014 में, मैं आपको कुछ साल पहले ले जाता हूं, 2014 में आपने अनजाने में या जान में आपने इस भारत की राजनीति को हिला के रख दिया। 2014 में जो आपने मतदान करा, आपने पुरानी भारत की राजनीति की नींव को हिला दिया। भारत में 30 साल तक, 2014 से पहले 30 साल तक मिलीजुली सरकार होती थी। एक पीढ़ी निकल गई, उस पीढ़ी को यह नहीं पता कि मजबूत सरकार क्या होती है, पूर्ण बहुमत की सरकार क्या होती है। आपने जब अधिकार होता था तब हाथ फैलाने पड़ते थे, जहां पर आपका हक होता था वहां सिफारिश लगानी पड़ती थी। उस ऐसी पुरानी वंशवाद वाली राजनीति को आपने 2014 में जब अपने अपने बूथों में मतदान करा, और उस समय आप प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका काम आपने नहीं देखा था, सुना जरूर था। आपने उस समय एक उम्मीद के ऊपर, कि एक उम्मीद है कि एक व्यक्ति पूछते कि 2014 में तो वेव थी, इस बार वेव दिखाई नहीं दे रही। मैंने कहा ऐसा है, जो दूर से देखते हैं उन्हें सिर्फ वेव ही नजर आती है, जो जमीन पर खड़े होते हैं ना उनको एहसास होता है कि जमीन में करंट कितना है। कितने जबरदस्त रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पूरा देश आज उनके रंग में रंग गया है। ग्रामीण भारत में जाए, ग्रामीण क्षेत्र महिलाएं बोलती है, मुझे कहती है तेरा मोदी बिल्कुल ठीक है, तेरा मोदी हारना नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं ही हूं क्या अकेला जिताने के लिए? आप सब जिताओगे मोदी जी को? अभी एक खुशखबरी, कांग्रेस जिसको जी जी करके बुलाती है अजहर मसूद, वो पकड़ा गया, उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। ये तो भारत की कूटनीति की ताकत है। अगर ये नहीं भी होता ना तो भारत की सेना किसी भी बिल से उसको ढूंढ के लेकर निकाल सकती, और ऐसे जितने भी आतंकवादी हैं उनको खत्म करने की क्षमता रखती है। फर्क
के सामने। एक तरफ ऐसी पार्टी है जो कहती है कि हम धारा 370 को हटने नहीं देंगे। धारा 370 जो जड़ है कश्मीर की समस्या की, उसको हटने नहीं देंगे। हमारी पार्टी साफ साफ कहती है कि धारा 370 को हम हटा के रहेंगे। वो कहते हैं कि धारा 124 जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसों के ऊपर लगती है, उसको हम हटा के रहेंगे। हम कहते हैं कि आपके अध्यक्ष जो ऐसे लोग होते हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनकी पीठ थपथपाने पहुंचते हैं आपके अध्यक्ष, तो हम समझ सकते हैं कि आप नहीं हटाना चाहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश को मजबूत, इस देश को संगठित रखना चाहती है और हम 124 ए को कभी हटने नहीं देंगे। वो कहते हैं कि हम कश्मीर से सेना को हटाएंगे। हम कहते हैं कि हम कश्मीर से सेना को नहीं, हम आतंकियों को हटाएंगे। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और ऐसे कहते हैं बिल्कुल सच कह रहे हो। इन्होंने विधानसभा चुनाव में जो बात करी ऋण माफी की, मैंने हर जगह पूछा, कहीं किसी का ऋण माफ नहीं हुआ। ये तो छोटी सी बात है, शाहपुरा के अंदर हमारे 7 किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन की नीलामी हो रही है और उनका कसूर क्या है, उन्होंने ऋण नहीं चुकाया। दोगली बातें करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि ऋण माफ करेंगे और दूसरी तरफ उन्हीं किसानों का जिन्होंने ऋण नहीं चुकाया उनकी जमीन नीलामी हो रही है, शायद तक एक पैसा नहीं दिया। जो ये कहते हैं करने की क्षमता नहीं रखते, और जो प्रधानमंत्री करने की क्षमता रखते हैं उनको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। इस देश को हम मजबूत बना के रहेंगे और यहाँ पे बैठा हर एक हिंदुस्तानी ये प्रण लेता है कि हमारे जितनी भी ताकत होगी हम उस ताकत को संगठित करके अपने देश को अपने मतदान से मजबूत करके रहेंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और संपूर्ण ताकत देंगे ताकि इस देश को मतलब। धन्यवाद। 6 मई को जम के मतदान करिएगा और इस बार इस यज्ञ में अपने मत का इस्तेमाल करके मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में आने वाले हैं, घोषित किया गया है। मोदी जी मंच पर आए तो सब खड़े होकर तालियां बजा करके आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और जयपुर के वाली राजकुमारी, इश्क कोने कोने में हमने कमल खिलाया था, भारत को अपनाना है फिर से।
बना करके स्वागत करेंगे। रामचरण जी बोला स्वागत करेंगे। सभी विधायक और जिला पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी माला पहना करके स्वागत करेंगे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी सैनी से अनुरोध करूंगा कि वह स्वागत भाषण करें। आदरणीय सैनी जी, आज के इस शानदार और जानदार करो बनाने का जो हमारा सपना है उसको प्रारंभ किया है, से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का इस विशाल जनसभा में मैं जो मंच पर बैठे हैं वो सम्मानीय मंच का मैं सम्मान करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। वही राजस्थान की सरकार ने ऐसे लोगों को उजाड़ने का काम शुरू किया है और राजनीतिक विद्वेष के कारण लोग चित्तौड़ लोकसभा के गोसुंदा केसुंदा गांव में हमारे पोलिंग एजेंट मनोहर लाल का रात के अंधेरे में दिन में उसको उठाया, आज तक वो गायब है और उसका मकान बुलडोजर चलाकर पूरा नष्ट कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान में कानून का राज समाप्त हो गया है और कांग्रेस के लोग आतंकवाद के माध्यम से देश पर एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि डरा धमका कर और वोट हासिल किया जाए, लेकिन राजस्थान के इस वीर भूमि के लोग संघर्ष करते आए हैं। इन कांग्रेस के काले कारनामों को हम उजागर करेंगे और घुटने नहीं टेकेंगे और संघर्ष करके आने वाली हमारी 12 जो सीटें हैं इन सीटों पर भारी मतदान करके आने वाले समय में 25 की 25 सीट राजस्थान की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अलायंस के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएगा। भारत माता की। धन्यवाद। अब मैं जयपुर शहर के अध्यक्ष और रामचरण जी बोला और राज्यवर्धन सिंह जी से अनुरोध करूंगा, उनकी तस्वीर है। अब मैं आदरणीय विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जननायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें संबोधित करें। आदरणीय मोदी जी, जय माता जी सा, अम्मा गणेशा। यहाँ जयपुर ग्रामीण और दौसा से भी भारी संख्या में आप सब पधारे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। गुलाबी नगरी का माहौल हमेशा देश का माहौल बताता है। और
देश का माहौल क्या है। जब मैं मंच पे आया, आपने जिस प्रकार से रोशनी की, ऐसा लग रहा था ये चुनाव सभा है कि विजय सभा है। माँ भारती के लिए यही भक्ति, यही जुनून है जो इस वीर धरा को और अद्भुत बनाता है। साथियों, आज मैं आपके बीच नए भारत के नए सपनों को पूरा करने के लिए आदेश मांगने आया हूं। आशीर्वाद। भाई और बहनों, बीते 5 वर्ष में दुनिया में भारत के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने में इस चौकीदार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी निष्ठा से काम किया, श्रम किया, और मैंने एक बार लाल किले से कहा था, देशवासियों से कहा था कि अगर आप 11 घंटे काम करेंगे तो मैं 12 घंटे काम करूंगा, अगर आप 13 घंटे काम करेंगे तो मैं 14 घंटा काम करूंगा। जयपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या मैंने मेरा वादा निभाया? मैंने मेहनत करने में कोई कमी रखी है? आपको जैसा मैंने कहा था वैसा ही करने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है। मैं राजस्थान की कसौटी पर खरा उतर रहा हूं। याद करिए, 2014 से पहले देश में क्या चर्चा होती थी? कलर वाला घरों के ड्राइंग रूम में, किचन में, ऑफिस में, लंच के दौरान, बसों में क्या बातें होती थी? और ये याद करना बहुत जरूरी है। मुझे लाने से पहले भारत में जो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी, उस समय क्या हाल था, उस समय आपकी चर्चाएं क्या थी, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। क्या मिलकर के चर्चा नहीं करते थे कि आए दिन बम धमाके होते हैं, इंसान की जान की कद्र कब होगी, ये बात होती थी कि नहीं होती थी? मैं यहां भाषण देने नहीं आया हूं, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। वो चर्चा होती थी नहीं होती थी?
पानी पी लिया हम पानी। लोग कहते थे छोटे छोटे देश पानी पिला पिला के मारो कार्रवाई करते हैं, भारत तब जागेगा। ये बात होती थी नहीं होती थी? ये जो घोटाला हुआ है, ये वाला कितने लाख का हुआ है, कितना करोड़ का हुआ है, इस घोटाले में कौन कौन से नेता और उसका बेटा बेटी कौन किसकी शामिल है, हर साल देश में कोई न कोई नया घोटाला क्यों हो रहा है, ये बात होती थी नहीं होती थी? जुबान पे इसकी चर्चा ठीक नहीं थी? महंगाई इतनी क्यों है? महंगाई डायन है कि खाए जात है? क्या सारा टैक्स हम ही से वसूल लेगी क्या सरकार? मिडिल क्लास की सरकार को तो परवाह ही नहीं है। साथियों, ये सवाल आप लोगों के बीच में चलते थे कि नहीं चलते थे? 5 साल पहले आप ये बातें करते थे कि नहीं करते थे? वो घोर निराशा के दिन थे, आशा की किरण तक दिखती नहीं थी। लेकिन आज भाजपा की सरकार में देश में किन बातों की चर्चा होती है, क्या सवाल उठते हैं? 14 की तुलना में याद करना होगा आपको। आज भी ड्राइंग रूम में, बस में, रेल में, दुकान में, ऑफिस में बातें आज भी होती है, देश और दुनिया की होती है। तब क्या होता था, आज क्या होता है? आज चर्चा ये होती है कि उस शहर में 6 लाइन का हाईवे बन गया, हमारे शहर में कब बनेगा? ऐसी बात होती है कि नहीं होती है? उस जिले में मेडिकल कॉलेज इतना अच्छा हो गया, हमारे जिले में कब होगा? ये बात होती है कि नहीं होती है? वो शहर तो एयर कनेक्टिविटी से जुड़ गया, हमारा शहर कब जुड़ेगा? ये बात होती है कि नहीं होती है? उस शहर में तो उड़ान योजना के तहत फ्लाइटें भी आने लग पड़ी, हमारे शहर में ऐसा कब होगा? उस शहर का रेलवे स्टेशन तो इतना शानदार हो गया है, हमारे शहर का कब होगा? उस शहर के लिए तो नई नई ट्रेनें जाती हैं, क्या शानदार कोच होते हैं, लेकिन हमारे शहर एसी ट्रेन कब आएगी? उसे तो पीएम आवास के तहत घर मिल गया, हमें क्या अगले 8-10 महीने में मिल जाएगा क्या? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, इन सारे सवालों में शिकायत नहीं है, विश्वास का भाव होता है, ये भरोसा होता है कि कुछ दिन के इंतजार के बाद ही सही मोदी हमारे लिए भी करेगा। आज लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ, आज लोग आशा और उम्मीद के साथ ये कहते हैं कि कब होगा, यानी उसको पूरा भरोसा है होने वाला। वो इतना ही कहता है कब होगा, हमारी बारी कब आएगी? निराशा से आशा की तरफ पड़ता ये नया भारत, और यही हमारी ऊर्जा है, यही हमारी शक्ति का स्रोत है। अकड़ी नहीं है यार, क्या पता क्या। भाइयों बहनों, इस नए भारत के निर्माण का नेतृत्व आज के नौजवान कर रहे हैं। ये नहीं पानी पानी, वो आज कार्टून में नए भारत के निर्माण के लिए कार्टून में इस चौकीदार के साथ कार्टून में है पानी
पूरी मजबूती से खड़े कार्टून में है। इस भावना को खाली पड़ा है। अपने ही परिवार और अपने ही वंश को सर्वोपरि मानने वाले समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए वे जमीन से कट गए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि देश चाहता क्या है। वो सिर्फ मोदी को गाली देने में जुटे हुए हैं। रोज सुबह डिक्शनरी लेके बैठ जाते हैं कि आज कौन सी नई गाली निकाले, यही चल रहा है ना। साथियों, 2014 में आपके वोट से देश में एक परिवार के 55 साल जो तबाही ला करके रखी थी, जीवन के हर क्षेत्र में खाई थी, गड्ढे थे, मैंने 55 महीने उस परिवार के 55 साल के गड्ढे भरने में खपा दिए। ये काम मैं कर पाया आपके वोट से। अब की बार आपके वोट से विकास का हाईवे बनाने का अवसर है। आपके वोट से 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को अपना खुद का पक्का घर मिला। अब की बार आपके वोट से देश के हर गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिलेगा, एक भी बेघर नहीं रहेगा, ये सपना। यानी एक तरह से देखें तो आपका वोट मोदी के खाते में जाएगा और हर बेघर का आशीर्वाद आपके खाते में आएगा। तो अब की बार आपके वोट से हिंदुस्तान के सभी घरों में गैस का कनेक्शन पहुंचेगा। सोचिए, मोदी के खाते में डाला गया आपका एक वोट आपको उस मां बहन से भी आशीर्वाद दिलवाएगा जिसे उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। साथियों, 2014 में आपके वोट से हमारे सशस्त्र बलों को सम्मान मिला, वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा हुआ, राफेल जैसा लड़ाकू विमान मिलना तय हुआ। अब की बार आपका वोट हमारे सशस्त्र बलों को और आधुनिक बनाएगा, आपको वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं का आशीर्वाद दिलाएगा। भाइयों और बहनों, 2014 में आपके वोट से देश के सभी गांवों में बिजली पहुंची। अब की बार आपके वोट से देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का काम पूरा होगा। उस नई रोशनी में पढ़कर जो बच्चा आगे बढ़ेगा, जीवन में कुछ बनेगा,
हो, जीवन भर आपका धन्यवाद करेगा। साथियों, 2014 में आपके वोट से किसानों की आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित हुई। अब की बार आपके वोट से 2022 तक किसानों की आय डबल होगी, दोगुनी होगी। 2014 में आपके वोट से छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधी मदद का लाभ सुनिश्चित हुआ। भाभी जी, अब की बार आपके वोट से एयरपोर्ट हर छोटे बड़े किसान परिवार को इसका लाभ मिलेगा। ऐसा दो दो गुट दे रहे हो, निकालो ना, अब निकलिए। छोटे किसानों को मैंने क्या बोला था, रखी उसमें पेंशन की सुविधा मिलेगी। बस ये हिलाओ मत यार। मैंने क्या बोला था? और वो किसान भी अन्नदाता आपके लिए आशीर्वाद दाता भी बनेगा। साथियों, सरकार बदलने का क्या फर्क होता है, ये भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। यहां राजस्थान में प्रकाश जी कांग्रेस की सरकार बनी। मैं क्या बोला था? पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन इधर उधर से मिला करके बन गई। एक मिलावटी सरकार यहां बन गई। और लाओ, अब यहां पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं? और लाओ बोतल यार। मैंने बताया मेरे आने से पहले क्या सवाल थे, मेरे आने के बाद क्या सवाल है। और आज अभी नई नई सरकार बनी है, मिलावटी सरकार है, इधर उधर से कुनबा जोड़ करके बनाई है। अब सवाल उठ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, 10 दिन हो गए, बोतल पीता ही नहीं हूं, 100 दिन हो गए, कर्ज माफी के वायदे का क्या हुआ? दस दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले थे, उसका क्या हुआ? साथियों, यही कांग्रेस की सच्चाई है। झूठ बोलना, फरेब करना, मतदाता को गुमराह करना, यही कांग्रेस का चरित्र है। वो एक बार चुनाव के समय जो पोस्टर छपा लेती है उसे कई दशक तक चलाती है। 50-60 साल पहले उसने चुनाव के समय गरीबी हटाओ वाला पोस्टर छपवाया था। आज तक वो उसी पोस्टर से काम चला रही है। हर चुनाव में कांग्रेस वही पोस्टर निकालती है, बस नामदार की फोटो बदलती रहती है, कभी पुरुष की आवाज, कभी महिला की आवाज, और गरीबी हटा बोलते रहते हैं। एक कर्ज माफी वाला पोस्टर भी कांग्रेस ने 10-15 साल पहले छपवाया था। राजस्थान वालों को आज क्या हो गया है भाई, रह रह करके जुस्सा आता है। आपको जो चाहिए वो आएगा आएगा।
आपके इस प्यार के लिए आपका नमन करता हूं। आपका ये उत्साह जयपुर में बैठे कांग्रेस के नेता और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता वो डॉक्टरों को फोन कर रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है, एक कर्ज माफी वाला पोस्टर भी कांग्रेस ने 10-15 साल पहले छपवाया था। हर चुनाव से पहले वो ये पोस्टर फिर अलग अलग राज्यों में चिपका देती है। राजस्थान में भी उसने यही किया। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा किसान को नहीं, सिर्फ नहीं चार बोतल किसानों को तो उसने जितना धोखा दे सकता है दिया है, उसने देश के वीर जवानों को भी धोखा दिया। कांग्रेस की सरकार कमीशन और करप्शन के चक्कर में भारत की रक्षा जरूरतों को ही खतरे में डालती रही। देश की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का रवैया कैसा रहा है और भाजपा कैसे काम करती है, उसका गवाह मई का ये महीना भी रहा है। मई 1998 में पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दूसरा परमाणु विस्फोट किया था। पहले परीक्षण के दशकों बाद अब आप बताइए कांग्रेस की सरकार को ऐसा करने से किसी ने रोका था क्या? आखिर किसके दबाव में आ गई थी कांग्रेस? भाई और बहनों, यही स्थिति अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मारने वाली ए-सैट मिसाइल के परीक्षण को लेकर के थी। हमारे वैज्ञानिक कांग्रेस की सरकार से टेस्ट करने की इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन पूरी सरकार रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थर थर कांप रही थी, पसीना छूट रहा था। इनको लगता था कि अगर दुनिया ने हमने मिसाइल से सैटेलाइट को गिराया और दुनिया हम पर टूट पड़ी तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। जिन लोगों को सत्ता इतनी प्यारी हो, कुर्सी का इतना मोह हो, वो पार्टी कभी भी देश का भला सोच सकती है क्या? लेकिन साथियों, अरे मॉडल आपके इस चौकीदार ने वैज्ञानिकों को इजाजत दी और आज भारत स्पेस में अंतरिक्ष में भी सर्जिकल स्ट्राइक करने की क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। और साथियों, ये जो हमारे मिसाइल ने सैटेलाइट को गिराया है, वो सैटेलाइट की स्पीड 1 सेकंड के 10 किलोमीटर की थी, यानी बंदूक के नोक से गोली जिस स्पीड से निकलती है उतनी स्पीड से अंतरिक्ष में सैटेलाइट जा रहा था। और
मिसाइल धरती से निकली 3 मिनट के भीतर उस भागते हुए सैटेलाइट को गिरा दिया। ये ताकत दुनिया में हिंदुस्तान अब चौथा देश बन गया है। तो साथियों, कांग्रेस की सरकारों का रवैया देश में आतंकवादी हमलों के समय कैसा रहा है वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारे देश में इतने बम धमाके हुए, यहां जयपुर में भी आप लोगों को आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट करके दहला दिया था। आपको याद है तब कांग्रेस सरकार ने कोई शक्ति दिखाई थी क्या? आपको याद है कि नहीं है? याद मुझे कराना पड़ रहा है। याद इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने कभी शक्ति दिखाई नहीं। अब मैं पूछता हूं, आप जवाब देंगे सब लोग? मरे पड़ी आवाज से जवाब राजस्थान नहीं देता है, ये वीरों की भूमि है। आप जवाब देंगे? मैं जरा पूछता हूं, आपको सर्जिकल स्ट्राइक याद है? एयर स्ट्राइक याद है? जो याद है साथियों, पहले भी सेना इजाजत मांगती थी लेकिन कांग्रेस की सरकार हिम्मत नहीं दिखा पाती थी। जबकि देश की सुरक्षा को लेकर हमारी नीति और रीति साफ है और देश को चौकीदार पे भरोसा है। वीरों की भूमि पर आया हूँ, बहादुरों की भूमि पे आया हूँ। मैं उन माताओं के आशीर्वाद लेकर के कहना चाहता हूँ, देश के लिए मर मिटने वाले इस धरती ने अनेक वीर पुत्र दिए, उन वीर पुत्रों को जन्म देने वाली उन माताओं का स्मरण करते हुए मैं कहता हूँ, अब ये नया हिंदुस्तान है, अब देश को जहाँ से भी खतरा होगा वहाँ पर घुस करके मारेंगे। ये होती, ये दम तब आता है जब दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए सोचता है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए सोचता है। साथियों, मैं आपसे देश से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। भाइयों बहनों, वैसे वैसे राजस्थान की धरती से, इन वीरों की भूमि से
मेरा कुछ विशेष ही नाता लग रहा है मोबाइल वाले भैया थोड़ा सा देखो थोड़ा सा, क्योंकि जब मैंने एयर स्ट्राइक हुआ जिस समय देश में एयर स्ट्राइक हुआ और उसी दिन में चुरू पहुंचा था। चुरू में मेरी की खबर आई तो चुरू वालों ने लगा था कि पता नहीं अब मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन एयर स्ट्राइक की खबरें हवा में थी और चुरू पाकिस्तान की सीमा पर है, मोदी वहां आदम का था। आज फिर से भाई यार, फिर से राजस्थान की धरती पर मैं ऐसे ही कुछ खबरों के साथ आया। अभी अभी बड़े अजीब हो यार, अमेरिका से न्यूयॉर्क से मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि आज यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगा दिया है। आतंकवादी घोषित करने पर ठीक आए 10 मिनट से ज्यादा आखिरकार ठीक है विश्व में सहमति बनी, यह संतोष का विषय है। देर आए दुरुस्त आए, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए लंबे समय से भारत जो प्रयास कर रहा था ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है। एक समय था जब देश में ऐसी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी जिसमें प्रधानमंत्री तक की आवाज सरकार में भी कोई नहीं सुनता था, और आज देश ने देखा है कि यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ, कैसे 130 करोड़ जनता की आवाज पूरे विश्व में दहाड़ रही है। ये है नया भारत और ये है इस नए भारत की ललकार। आज भारत की बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। भारत की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये बात आज साबित हो गई है। उनके की चोट पे ये कहना चाहता हूँ कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। जम्मू कश्मीर में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों का तबाह किया है। उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों और उनके ठिकानों को नेस्त नाबूद किया है, और उसके बाद आज की हमारी बहुत बड़ी कूटनीति विजय भी आज देख रहे हैं।
शक्ति का परिणाम है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं, जब यह काम चल रहा था नामदार मेट कर करिए बड़ी खुशी मनाते थे, एक पूरा वर्ग बहुत खुश था, तो उसे मजाक उड़ाने वालों को कहना चाहता